सर्दियां चल रही हैं और मटर की कचौड़ी ना खाई तो क्या खाया। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ बहुत ही खस्ता और टेस्टी मटर की कचौड़ियाँ, जो आप एक बार अगर इन्हें बना लेते हैं तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो इसके लिए हमने ये गेहूं का आटा लिया है, गेहूं के आटे से हम इसे बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा अजवाइन गिर देते हैं क्रश करके, और 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल गिरेंगे। तो आटे में 1/2 टेबल स्पून नमक गिरा है और अच्छे से मल लेते हैं आटे को, ताकि हमारा आटा एकदम घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब थोड़ा थोड़ा पानी गिर के हम इसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। तो सॉफ्ट सा आटा हमने इसका गूंथ के और हम इसका लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने आटा गूंथ लिया, इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। हमने ये 1 कटोरी मटर ले ली है, 2-3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, और इसको मिक्सी जाल में दरदरा पीस लेते हैं। तो मिक्सी जाल में हमने पीस लिया है, देख सकते हैं। गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल गेल लिया है हमने 4 टेबल स्पून के करीब। 1/2 टेबल स्पून जीरा थोड़ा चटका लेते हैं, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, नमक अपने स्वाद अनुसार। गेर के मसालों को थोड़ी देर के लिए हम इन्हें धीमी आँच पर भून लेते हैं। तेज आँच बिल्कुल नहीं करनी है, धीमी आँच पर हमें भूनना है। अब जो हमने मटर का पेस्ट दरदरा पीस के रखा है वो हम इसमें गिर देते हैं, मटर को गिर के, और हमें इसे धीमी आंच पे ही भूनना है ताकि हमारा मसाला और मटर जले ना और अच्छे से भुन जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती गिर दी है और मटर को हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मटर भी हमारी भून चुकी हैं, अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रेंड एक तरफ, और देख लेते हैं अपने आटे को। तो आटा थोड़ा सा 2-1 मुक्की और मार के और इसकी हम लोइयां काट लेते हैं। तो इसकी हम रोटी से थोड़ी पतली लोई काटेंगे और गोल गोल इसे हम थोड़ा सा बीच में गड्ढा रहे इस तरीके की लोई हम बनाएंगे। तो हम थोड़ा हाथों की मदद से इसमें गड्ढा कर लेते हैं। अब जो हमने मसाला बना के रखा है इसे इसमें चम्मच से अच्छे से भर देंगे हम, ताकि हमारी कचौड़ियाँ अच्छी लगें खाने में और टेस्टी इतनी लगेंगी नहीं है फ्रेंड कि आप इनका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप इन्हें चाय या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगी, घर में सबको बहुत पसंद आएंगी। ऑयल हमने गर्म कर लिया है और धीमी आँच पर हमें इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं और खस्ता हो जाएं। फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम इन्हें धीमी आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो धीमी आंच पे चलाते हुए 2-3 मिनट हमें लगे थे और देखिए हमने कितने अच्छी तरीके से इन्हें फ्राई कर लिया है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ इन्हें, तो देख सकते हैं आप कितनी खस्ता कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी।